हरियाणा और पंजाब का अलग विधानसभा भवन बनाने का मुद्दा हमेशा से ही आमने सामने रहा है। मुद्दे के पीछे का कारण अपनी विधायी जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार को मौजूदा विधानसभा भवन छोटा पड़ना। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो नया विधानसभा भवन बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से करीब 10 एकड़ जमीन देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। काबिले गौर है कि जमीन पर मालिकाना हक चंडीगढ़ प्रशासन का ही रहेगा। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय शुरुआत से ही चंडीगढ़ में रहा और हरियाणा प्रदेश 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया। उस समय विधानसभा में 58 सीटें थी, जिनमें से 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। मार्च 1967 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 81 और 1977 में 90 कर दी गई, जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही। अब बात आती है कि अलग विधानसभा भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के पीछे अब ठोस वजह क्या रही। तो बता दें कि प्रस्तावित नए परिसीमन लागू होने के बाद हरियाणा में विधायकों की संख्या 90 से बढ़कर 126 हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा में सिर्फ 90 विधायकों के बैठने की जगह है। परिसीमन के बाद 126 विधायकों का बैठना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नए भवन की जरूरत पड़नी थी। बात करें अब की तो चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग बनने का रास्ता साफ हो गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर 2023-24 के बजट में 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। हरियाणा विधानसभा का नया भवन रेलवे स्टेशन चौक से आईटी पार्क के रास्ते में पड़ने वाली 10 एकड़ जमीन पर बनना है। हरियाणा को यह जमीन चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मुहैया करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार ने इस जमीन के बदले चंडीगढ़ प्रशासन को पंचकुला सेक्टर 2 में 12 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया, मगर चंडीगढ़ प्रशासन ने यह जमीन लेने से मना कर दिया, क्योंकि यह जमीन इको सेंसिटिव जोन में आ रही थी। बताया जा रहा है कि यह जमीन अब जल्द ही चंडीगढ़ प्रशासन को ट्रांसफर कर दी जाएगी। विधानसभा के नए भवन के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने काफी प्रयास किए थे। उन्होंने इस मुद्दे को कई बार पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखा था। पर्यावरण की क्लियरेंस के लिए भी उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की थी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक पत्रकार वार्ता में हरियाणा की विधानसभा और चंडीगढ़ पर विवाद को लेकर अपनी बात रखी। अनिल विज ने कहा कि जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ, तब से ही हरियाणा को चंडीगढ़ में साझा विधानसभा का हिस्सा बना दिया गया और अब अलग विधानसभा के लिए 120 सदस्यों की बैठने की क्षमता का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की अपनी अलग विधानसभा के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे, तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिए ना इसके ऊपर, हम इस पर बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा। पर बीजेपी में भी क्या फूट है, क्योंकि सुनील जाकर खुद बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि भाई नहीं मिलना चाहिए इनको। हो सकता है वो प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हों, पर मैं देश की राजनीति के हिसाब से बोल रहा हूँ। सर, ये BPL को लेके भी आया कि इतने सारे जो लोग हैं वो BPL में अब शामिल हो गए हैं, ये क्या एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि सैनी सरकार के लिए हरियाणा? नहीं, ऐसा है, पहले कुछ लोगों के बन नहीं पाते थे और वो घूमते रहते थे और कोई उनकी सुनवाई नहीं करता था। अब सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन किया है तो हर पॉसिबल व्यक्ति जो उस आय वर्ग में आता है तो उनके कार्ड बन रहे हैं, इसमें किसी को क्यों तकलीफ हो किसी को? नहीं, पर एक डेटा भी तो सजेस्ट करता है ना कि सबसे ज़्यादा जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन है वो हरियाणा में है। जो हैं वो हैं, उसमें तो फिर गलत नहीं कह सकते।
एक पंजाब की जो अपोजिशन पार्टियां हैं या रूलिंग पार्टी है वो लगातार ही अलग विधानसभा को लेके कहा जा रहा है कि किराएदार मालिक नहीं बनने देंगे और यहाँ पर चंडीगढ़ पर पंजाब का ही हक है, किसी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि अलग विधानसभा सदन में कांग्रेस विधायक लगातार ये बात कर रहे हैं ईवीएम का मुद्दा दोबारा फिर उठाया जा रहा है, सदन में भी उठाया जा रहा है, बाहर भी इस तरह की चर्चा होती थी। ये देखिए, ये कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। इनको जो इन्होंने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर बकायदा ये सिलेबस है कि अगर तुम हार जाओ तो तुमने फिर पहले तो चुनाव आयोग को दोष लगाना और फिर आपने ईवीएम को दोष लगाना, ये इनको सिखाया जाता है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन सीटों से आप जीते हो क्या वहाँ ईवीएम ठीक थी? वहाँ का कराओ ना रिपोल। ईवीएम अगर खराब थी तो सारी प्रदेश की खराब थी। आप जिन सीटों से जीते हो वहाँ तो ईवीएम ठीक है, जहाँ से हम जीते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। क्या लॉजिक है? आप एडवोकेट है, आप इस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। आप रिपोल करवाओ जहाँ से आप कांग्रेस के एमएलए जीते हैं। अगर आप कहते हो कि ईवीएम खराब है तो यू सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करो आप। और दूसरी बात यह है कि ये अज्ञानियों वाली बात करते हैं। ईवीएम जब इलेक्शन कमीशन से जारी होती हैं तो वहाँ पर सारे पार्टियों के नुमाइंदों से चेक कराई जाती है, जब यहाँ पर आके डीसी के पास डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तब नुमाइंदे बुला के चेक कराई जाती है, जिस दिन पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम खोली जाती है तब उस दिन सारे पार्टी के नुमाइंदों से बुला के चेक कराई जाती है। अगर आप कहते हैं ईवीएम खराब है तो आप इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपके सारे लोग बुद्धू हैं, आपके लोगों को समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। ये जो एलओपी का मामला है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद होगा, क्या लग रहा है? नहीं, महाराष्ट्र और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है पूरी तरह से। नहीं, वो तब चुने जाएंगे जब इन यहाँ पे चुनाव खत्म हो जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? क्या ऐसा है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टियों के चुने जाते हैं, धड़ों के नहीं चुने जाते। ये एक पार्टी नहीं है, ये भिन्न भिन्न धड़े हैं जो इकट्ठे हो गए थे चुनाव को सामने देखकर, इसीलिए इनका फैसला नहीं हो पा रहा। अब वो आसान भी नहीं है फैसला करना। अब दो सेशन हो गए, एक पहले हो गया, एक आज हो गया, और बिना एलओपी के ये चल रहा है। अब देखते हैं कब इनका फैसला होता है। अमित साहब, कल अशोक अरोड़ा जी बोल रहे थे कि आपकी जान को खतरा है, सरकार से उन्होंने सुरक्षा की बात की, हकीकत क्या सर? वाकई कोई थ्रेट आया आपको या जान का खतरा है अभी आज के समय? नहीं, मैंने जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे उनको लिख के भी दे दिया था, सारा अवगत भी करा दिया था, और फ़ोन पे भी मेरी उनके साथ डिटेल्ड बात हो गई थी। तो वो क्या करते हैं वो समय बता रहे हैं। सर, आपकी सुरक्षा घटाए जाने को लेकर सीएम पर भी सवाल उठाए गए, ये कहा कि फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि इस तरह की, अगर सरकार में रहते हुए एक सीनियर आदमी ऐसे कहते हैं कि मेरी सुरक्षा घटाई गई? नहीं, इसीलिए अगर मैंने कोई बात उठाई है तो बात सीरियस है, तभी उठाई है, नहीं तो मैं जिस उस पर हूँ मैं छोटी मोटी बात क्यों उठाऊँ? क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब इसकी कभी जाँच होगी तभी पता लगेगा, आज तक तो किसी ने आके मेरे को पूछा नहीं है। बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरियाणा को चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए 10 एकड़ जमीन देने के फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे इस फैसले पर पुनर्विचार करें और इसे रद्द करवाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करें। जाखड़ का कहना है कि चंडीगढ़ सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है बल्कि पंजाब के लोगों की गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुनील जाखड़ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि पंजाब की राजधानी होने के नाते चंडीगढ़ केवल एक भूभाग ही नहीं है बल्कि पंजाब के लोगों की गहरी भावनाएं से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाबियों के सामाजिक और आधार्मिक उत्थान के लिए चंडीगढ़ में अलग विधानसभा के लिए हरियाणा को 10 एकड़ जमीन देकर जो कदम उठाए हैं उनसे पंजाब की आत्मीयता को ठेस पहुंचेगी।
फिलहाल के लिए देखना यह होगा कि पंजाब और हरियाणा के बीच हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए ऐतराज जताने के सिलसिले का दोनों राज्यों और उनकी राजधानी की विरासत पर क्या असर पड़ता है और वह असर किस तरह के परिणाम लाता है। तब तक के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी।